हेलो गाइस, ये मारुति सुजुकी XL6 अल्फा वेरिएंट है जिसकी आप फ्रंट लुक देख रहे हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं। जीटा, अल्फा और अल्फा प्लस इसका टॉप वेरिएंट है जिसका रिव्यू करेंगे हम। ये अल्फा वेरिएंट है, इसकी आप फ्रंट लुक देख रहे हैं और इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। कंपनी फिटेड है, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, तो फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। ये डायमंड कट आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं डुअल टोन में। MRF के टायर मिलेंगे, 195/60 और 16 इंच के व्हील मिलते हैं आपको इसमें। साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं इसके। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। डोर हैंडल आपको क्रोम के साथ मिलता है, साथ में टच बटन भी मिलता है इसमें आपको। आपको रूफ रेल दी गई है, रूफ के ऊपर सिल्वर कलर की है ये। शार्क एंटीना मिलेगा आपको इसमें और पूरी मोल्डिंग दी गई है साइडों में ब्लैक कलर की। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का। शार्क एंटीना आप देख ही रहे हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोगर रियर वाइपर दिया गया है इसमें। डिफोगर रियर वाइपर मिलते हैं। क्रोम की गार्निश मिल जाएगी, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। LED टेल लैंप मिलते हैं आपको इसमें रियर में, LED टेल लैंप और साथ में ही आपको पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें दिया गया है जो कि यहाँ पे है। तो रियर प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। ये रियर प्रोफाइल आपने देख ली। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं। बूट स्पेस आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, ये इसका बूट स्पेस है। यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको गाड़ी में। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ से आप फील करवाएंगे। ये दूसरे साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, और दूसरे साइड से भी कुछ ऐसा ही लुक है गाड़ी का देखने में। साइड मिरर बटन इंडिकेटर दिए गए हैं, डोर हैंडल आपको टच बटन के साथ दिया गया। ये टच बटन आपको मिलते हैं इसमें। चलिए रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं और ये सेकेंड रो वाली सीटें हैं। ये टॉप वेरिएंट गाड़ी है, अल्फा वेरिएंट है ये, लेदर के अपोर्ट के लिए इसमें। यहाँ से आप फोल्ड करके इस पर थर्ड वाली सीटों में भी जा सकते हैं। हेडरेस्ट आपको तीनों सीटों में मिल जाएंगे, ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं और रीडिंग लैंप। लेग रूम बढ़िया है, थर्ड वाली सीटों का भी लेग रूम बढ़िया मिल जाता है आपको इसमें। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और अपोस्टी आपको लेदर की दी गई है। इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं। ये वाला डोर भी पावर विंडो मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे भी आर्मरेस्ट मिल जाएगा, तो सेकंड वाली सीटों में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। हेडरेस्ट आपको इसमें मिलते ही हैं। 4 AC वेंट्स मिल जाएंगे, ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में। और ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, ये टॉप वेरिएंट गाड़ी है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, तो फ्रंट डैशबोर्ड की लुक भी आपने देख ली। और लेगरूम बहुत ही बढ़िया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएगा। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। रियर डोर का इंटीरियर तो आपने देख लिया, ये फ्रंट डोर का इंटीरियर है। यहाँ पे आपको
पैनो फिनिश दी गई है, ब्लैक पैनो फिनिश इनसाइड एनल क्रोम पे। चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक शीशे को लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर। ये ड्राइवर सीट आप देख रहे हैं, हाइट यहाँ से आप बैक एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट आपने देख लिया, राइट साइड में एसी वेंट्स दिए गए हैं, ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है इनसे। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ मिल जाता है। हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस, ऑन ऑफ के स्विचेस, ये कैमरा के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं सारे कंट्रोल्स, ये कैमरा व्यू का कंट्रोल्स है। और यहाँ पे आपको MID दी गई है, जैसे कि आपको टेम्परेचर, क्लॉक, किलोमीटर और फ्यूल भी इसमें शो हो जाएगा। कुछ वार्निंग लाइट दी गई है, हीट कोल्ड कंडीशन भी शो करेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं, फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, फ़ोन उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड दे सकते हैं। क्रूज कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, राइट साइड में ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ पे पैडल के कंट्रोल्स दिए गए हैं, प्लस के, माइनस के। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, लो फील शो करता है, तो काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। ये व्यू सराउंड, ये आपको पूरा व्यू दिखाएगा, आपकी गाड़ी किस लोकेशन कैसी खड़ी है, चारों तरफ का व्यू दिखाता है, ये देखिए। तो ये व्यू सिस्टम जो दिया गया है इसमें, इसके द्वारा तो सराउंड व्यू सिस्टम दिया गया है इसमें। इसमें आप FM AM चला सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें FM AM चला सकते हैं आप आसानी से। और यहाँ पे आपको हजार्ड का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑटो AC है तो उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB AUX के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें आपको दोनों की रिमोट दी गई है, देखिए ब्लैक कलर की है ये रिमोट की। और इसमें आपको एयर कूल दो कंफर्टर का स्पेस मिल जाएगा, USB AUX के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऑटो AC मिलता है आपको इसमें, हजार्ड का स्विच। तो इसमें आप यहाँ से होम पे जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको, पहले से भी काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको इसमें। और यहाँ पे आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, मैनुअली ड्राइव करने के लिए M वाली पोजीशन पे ले जाएंगे, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ मिलता है, आर्म रेस्ट भी दिया गया है स्पेस के साथ। और यहाँ पे आपको एक SRS एयरबैग और मिल जाता है और ड्राइवर साइड, और साथ में ही यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश पूरी दी गई है। पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स दिया गया है जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है। और तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, देख लिया आपने। इसमें आपको फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, ही आपको रीडिंग लैंप भी मिलता है इसमें, लैंप मिरर के साथ लैंप दिया गया है सनवाइजर में, डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैंप, गूगल बॉक्स, IRVM डे नाइट मिलता है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट लाइट वगैरह दी गई है। तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, 1500 CC का इंजन मिलता है आपको इसमें। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।